ये कैमरा कैसे पकड़ूँ, ये बार बार मोबाइल गिर क्यों रहा है यार। यार हाथ में मोबाइल नहीं आ रहा है मेरे, कैसे करूँगा। हेलो, माय नेम इज़ हर्षित शाह। यार पब्लिक देख रही है, कैसे बनाऊँ। हे गाइस, दिस इज हर्षित शाह एंड वेलकम टू माय चैनल लिव विद हर्षित। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स व्हेन यू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ लॉगिंग। सो सेवन प्रॉब्लम्स, नॉट वन सॉल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज इंडिविजुअल सॉल्यूशंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये रहती है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है व्हाट इज व्लॉगिंग। ब्लॉग सबने सुना है, ब्लॉग क्या होता है? तो आपने ब्लॉग सुना है, ब्लॉग एक चीज़ होती है जो सोशल मीडिया पर लोग अपनी अंदर की बातें, अपना टैलेंट, हमारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे रिटर्न में, रिटर्न फॉर्म में। और ब्लॉग उसको कहते हैं कि जिसको हम वीडियो के फॉर्म में बना के उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, स्पेशली यूट्यूब पे। तो ज़्यादातर लोग को ब्लॉग देख के ज़्यादा समझ में आता है, जो लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है। हम स्कूल में भी हमें यही सिखाया गया था कि हमें विजुअल्स आर मोर क्लियर देन द रिटन थिंग्स। यस, सो ऐसा ही होता है ब्लॉगिंग की दुनिया में। और ज़्यादातर लोगों को ब्लॉगिंग में आना होता है क्योंकि इनको उनके पास ज़्यादातर लोगों के पास टैलेंट होता है कि हम इस चीज़ में टैलेंटेड है, हम अनबॉक्सिंग में टैलेंटेड है, हम इलेक्ट्रिक दुनिया में टैलेंटेड है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में टैलेंटेड है। कुछ लोग बोलते हैं हम ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड फूड एक्सपोजर में हम लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो सब लोग अपनी अपनी चीज़ों पर ब्लॉग्स बनाते हैं। सो सभी के स्टार्टिंग के टाइम पर ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैं सेवन प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने भी फेस की है बहुत ज़्यादा, और अभी भी फेस ही कर रहा हूँ। सो सॉल्यूशन देने के लायक तो मैं अभी तक हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से कुछ आपको, कुछ हद तक तो आपको अच्छा होगा, कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और एंड तक ज़रूर देखना मेरा वीडियो, तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल भी जाए जो मैंने फेस की है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि वॉट इज़ ब्लॉग, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। नाउ मूविंग टू सेकेंड प्रॉब्लम। सो सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू स्टार्ट अ वीडियो। लोगों को पता ही नहीं होता है हम वीडियो स्टार्ट कैसे करें, खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें, स्टार्टिंग में क्या चीज़ डालें। तो ज़्यादातर लोगों का आप देख सकते हो वीडियो, कुछ लोग स्टार्टिंग में ब्लूपर्स डालते हैं, सो लोगों को देखने में इंटरेस्टिंग होता है। कुछ लोग डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, कुछ लोग अपना वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एंड तक वैसा का वैसा ही रहता है, कुछ लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके बाद इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इट्स अ पैटर्न ऑफ स्टार्टिंग अ वीडियो। सो आप लोगों को कौन सी पैटर्न रखनी है वो आपको खुद चूज़ करनी पड़ेगी, और आपको क्या एक्सपोज करना है, क्या एक्सप्लोर करना है, वो सब चीज़ आपको स्टार्टिंग में बतानी होगी, तब जाके आपका वीडियो अच्छे से स्टार्ट हो पाएगा। और आपके पास पूरा लिस्ट रेडी होना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको स्क्रिप्ट थोड़ी बनानी होगी, तब जाके आपका प्रॉपर एक्सप्लोजर लोग देखेंगे। सो ये रही सेकंड प्रॉब्लम। नाउ मूविंग टू थर्ड प्रॉब्लम कि हमें पता नहीं होता कि कैमरा का एंगल कैसे रखें। अब ज़्यादातर लोग स्ट्रेट फोन में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रेट फोन हुआ, स्ट्रेट फोन में ऐसे ब्लॉग आप बनाओगे तो आपको ऐसे देखने में ही अच्छा लगेगा। लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब पे लोग आपको पता है कैसे देखते हैं, टिल्ट मोड में देखते हैं, तो ये इसमें अच्छा नहीं लगेगा आपका स्ट्रेट फोन में लिया हुआ ब्लॉग। सो आपको हमेशा फ़ोन, अगर फ़ोन से आप बना रहे हो तो आपको फ़ोन वैसा ही रखना पड़ेगा। और जो GoPro वगैरह कैमरा से बनाते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मोबाइल से आप बना रहे हो तो इसको वैसे ही रखना पड़ेगा। सो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर लोग ऐसे बनाते हैं, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, और फिर हमको प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पाता, हमारे ब्लॉगिंग में एडिटिंग में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। सो ये थी थर्ड प्रॉब्लम कैमरा एंगल की। और नाउ मूविंग टू फोर्थ प्रॉब्लम, ज़्यादातर लोग पब्लिक में ब्लॉग बनाने से डरते हैं शुरुआत में कि यार पब्लिक क्या कहेगी, हमारे बारे में क्या सोचेगी, हम मीडिया से आए नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हंसेंगे हम पे, क्या करेंगे, कुछ भी मत सोचो। हम बना रहे ब्लॉग कुछ लोगों को दिखाने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, या लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको हमें भूल जाना चाहिए। और बिंदास ब्लॉग बनाओ यार, लोग क्या कहेंगे, चार दिन बोलेंगे फिर नहीं बोलेंगे। पहले कोई भी नई जगह पर जाओ, मैंने और मेरे फ्रेंड ने तय किया है, कोई भी नई जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे से वो सवाल पूछते हैं, यहाँ पे कोई तेरे को जानता है, वो बोलता है नहीं, मैं बोलता हूँ मेरे को भी कोई नहीं जानता, तो हमें कोई जानता ही नहीं तो हमें किससे डरना है, जानने वाले लोग होंगे तो कमेंट करेंगे ना, वो लोग तो हमें देख के भूल जाएंगे। सो
डोंट बी अफ्रेड ऑफ पब्लिक, बिंदास व्लॉग बनाओ, अच्छे व्लॉग बनाओ। और अगर व्लॉग बनाने की बात आई है तो आपने फिफ्थ प्रॉब्लम पे जाते हैं हम, जो फिफ्थ प्रॉब्लम है व्लॉगिंग सेटअप। ज़्यादातर लोगों के पास व्लॉगिंग सेटअप शुरुआत में नहीं होता है, वो लोग मोबाइल हाथ में पकड़ के व्लॉग कर लेते हैं और काफ़ी अच्छा भी हो जाता है। लेकिन व्लॉगिंग सेटअप्स के फ़ायदे मैं बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमारा प्रॉपर वॉइस उसमें कैप्चर होता है व्लॉगिंग सेटअप। तो प्रॉपर वॉइस से क्या लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारी वीडियो एंड तक देखते हैं, अगर उनको प्रॉपर वॉइस आ रही है तो। नाउ सेकेंड उसका फ़ायदा ये होता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटअप के साथ व्लॉग बनाते हुए, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और थर्ड उसी पॉइंट से रिलेटेड है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है उससे। हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारे पास व्लॉगिंग सेटअप प्रॉपर होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस दो गुना और बढ़ जाएगा। तो ये रही व्लॉगिंग सेटअप। और बजट में आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो मैंने अनबॉक्सिंग का मेरा वीडियो बनाया था, मैं भी बजट में ही लिया है मैंने व्लॉगिंग सेटअप। सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप जाके ले सकते हो। और मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो, पूरे सब प्रोडक्ट्स मैंने अनबॉक्स करके एक एक करके पूरा टाइम देके, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया था लेकिन पूरा टाइम देके मैंने बताए, तो वो भी आप देख सकते हो, आपके बजट में आ जाएंगे व्लॉगिंग सेटअप्स। सो ये हमारी पाँच प्रॉब्लम्स हो गई, पाँच प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से हो गई, बहुत फटाफट हो गई, क्योंकि ये इजीली लोग आप समझ जाओगे। इतना डिस्क्रिप्शन देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबके साथ होता ही है। सो ज़्यादातर लोग सॉल्यूशन पे वीडियो बनाते हैं, मैंने प्रॉब्लम्स पे फोकस किया क्योंकि मैं थोड़ा अलग हूँ। सो मैंने प्रॉब्लम्स पे फोकस इसलिए किया क्योंकि प्रॉब्लम्स पता होगा तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। सो मैंने आपके साथ प्रॉब्लम शेयर की, पाँच हुई है। नाउ मूविंग टू सिक्स्थ, जो एडिटिंग ऑफ वीडियो पे है। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं यार हमारे पास इतना व्लॉगिंग सेटअप ले लिया, ये ले लिया, वो लिया, इतना खर्चा कर रहे, अभी वीडियो एडिटिंग के लिए भी वीडियो एप्लीकेशंस का खर्चा कर रहे, सब्सक्रिप्शन ले, ये ले, वो ले। शुरुआती व्लॉग में मत लीजिए, बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस है जिसपे आप इजीली वीडियो एडिट कर सकते हो, अच्छे अच्छे वीडियो एडिट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट ना देने की कोशिश करके हम ऐसा वीडियो बनाए कि जिसको ज़्यादा इफेक्ट देनी ना पड़े, कट ज्वाइन करके इतना अच्छा वीडियो हो जाए, बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाल दो जो कॉपीराइट फ्री हो, सो आपका वीडियो इजीली एडिट हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों के वाटर मार्क्स दिखते हैं, वो वीडियोस भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ में जाते हैं क्योंकि उनका कंटेंट ऐसा होता है। सो कंटेंट को आप स्ट्रॉन्ग रखोगे तो वाटर मार्क्स वगैरह कोई नहीं देखता आजकल, सबको पता है। ज़्यादातर एप्लीकेशन पे वाटर मार्क्स डाल दिए उन्होंने, सब्सक्रिप्शन उनको लेना है तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वाटर मार्क्स हटाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वाटर मार्क्स को रहने दो। वैसे वैसे वो उनका प्रमोशन करेंगे, हम हमारा प्रमोशन करेंगे, हमें तो भाई वीडियो पोस्ट करने से मतलब है, जिसको जो वाटर मार्क्स डालना है वो रहने दो। सो ये आपका प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गई, एडिटिंग ऑफ वीडियो। सो एडिटिंग अच्छे से अच्छी करो आप, सो इससे आपका बेटर एक्सपोजर मिलेगा अपने चैनल का। नाउ लास्ट पॉइंट ये आता है कि ज़्यादातर लोग आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, इधर उधर देखते रहे, जिसमें आपका पब्लिक के साथ, व्यूअर्स के साथ, आपके सब्सक्राइबर्स है उनके साथ आपका कनेक्शन टूट जाता है, तो वो लोग भी फिर इधर उधर ही देखेंगे, आपके वीडियोस में नहीं देखेंगे। सो आपको अगर उनको कैच करके रखना है तो आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए क्या करोगे आप, अगर आप मोबाइल से बना रहे हो तो आपने टिल्ट रख दिया, आप मोबाइल को टिल्ट पकड़ोगे तो आप लेंस पे फोकस करना, हम एकलव्य तो है नहीं कि इतना फोकस कर पाएंगे स्टार्टिंग में, वो एक्सपीरियंस से होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस सीखा है, लेकिन स्टार्टिंग में ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद को ही देखोगे मोबाइल में तो सेल्फी कैमरा स्टार्ट करोगे तब, सो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं स्टार्टिंग के ब्लॉग के लिए आपको दे रहा हूँ, अगर आप बाहर या कहीं पब्लिक में ब्लॉग बना रहे हो, ग्लेयर्स पहन लो, गोगल्स पहन लो भैया, किसी को नहीं पता चलेगा कौन कहाँ देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। सो आपका व्यूअर्स के साथ कनेक्शन, आई कॉन्टैक्ट, ग्लेयर्स कॉन्टैक्ट बना रहेगा, लोगों को भी देखने की मज़ा आएगी कि चलो भाई हमें अटेंशन दे रहा है, हमें जानकारी दे रहा है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो गूगल्स पहनिए, ग्लेयर्स पहनिए और अपना व्लॉग बनाइए। जब आप प्रो लेवल के हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली लेंस में देखोगे, हो सकता है आगे जाके आप गो प्रो लो या अपना DSLR या कैमरा ले लो, आपके ऊपर है वो। लेकिन ये थी 7 प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वैसे डिस्कस करने बैठूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों गिना रहे। सो प्रॉब्लम्स तो बहुत होगी लेकिन 7 मेनली प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की है मेरे लाइफ में शुरुआत की ब्लॉगिंग में, सो ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी, जो मुझे शेयर करनी चाहिए, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और ज़्यादातर लोगों ने मुझे बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है शुरुआती ब्लॉग में, क्या क्या करें क्या नहीं करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम शेयर करेंगे। अगर शेयर करने से हमें हमारी
कोई भी इन्फॉर्मेशन लोगों के काम आ जाती है तो मेरा ब्लॉग सफल है। और आपकी दुआ और आप लोगों के प्यार की वजह से मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काम आ रही है। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके घर परिवार या फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी लोग अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है लेकिन उनको सॉल्यूशन पता नहीं है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए, बहुत ही काम आएगा उनको। और उनका भी भला करिए, अपना भी भला करिए, जब तक कोरोना है सबका भला करिए। सो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। सो बने रहिए मेरे चैनल पे। आगे के वीडियोस मेरे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो जाइए और देखिए, वीडियो की लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। सो वैसे ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।